हेलो फ्रेंड्स, देसी रसोड़े में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं चाय बनाना। चाय किस तरह से बनाना है, चाय बहुत तरीके से बनती है, इसको टेस्टी और स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो चलिए मैं आपको बताऊंगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं चाय। इसको किस तरह से बनाना मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनेगी। सबसे पहले मैं बर्तन लिया है, उसमें हमने डाला है 1 कप पानी। पानी में जब उबाल आने लगे तभी हम डालेंगे इसमें चाय पत्ती। चाय पत्ती हमने लिया है 1.5 चम्मच। अभी जब ये उबलने लग जाए तब हम इसमें डालेंगे अदरक। अदरक 1/2 इंच जितना टुकड़ा लेना है, ज़्यादा नहीं डालनी है। अगर आपको पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डालें। इस तरह इसको कूट दिया मैंने छिलका निकाल के। अभी इसमें अदरक डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें भी उबाल आने देना है। जब उबाल आ जाए तभी हमें इसमें दूध डालना है, नहीं तो हमारा दूध फट जाएगा। अभी उबाल आने लग गया है तो हम इसमें डालेंगे 2 कप दूध। अभी हम गैस की फ्लेम को फास्ट करेंगे, ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, नहीं तो हमारा भगोला जल जाएगा। देखिए, उबाल आने लग गया है। जब उबाल आए तभी हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर पहले ऐड करेंगे तो हमारी चाय एकदम पानी जैसा टेस्ट आएगा। तो जब उबाल आए तभी इसमें शक्कर डालें। अभी फिर से जब उबाल आने लगे तब इसमें डालेंगे हम चाय का मसाला। चाय का मसाला ऊपर से डालेंगे तो इसकी खुशबू बरकरार रहती है और चाय बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगती है। और इस तरह से हमारी चाय बहुत ही अच्छी बन के रेडी होती है। अगर हम पहले दूध में चाय पत्ती डालेंगे तो भी हमारी चाय अच्छी नहीं लगेगी। देखिए, हमारी चाय बनके रेडी हो गई, हम सर्व करते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आगे से आगे शेयर जरूर करें। देखिए, हम सर्व करते हैं चाय को। इस तरह से हम चाय बनाएंगे तो हमारी चाय बहुत ही जाड़ी और टेस्टी बनती है। और अगर हम शक्कर और सब साथ में डाल देंगे तो हमारी चाय पानी जैसी और पानी जैसा टेस्ट आएगा। तो इस तरह से चाय बनाए बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।